press the bell icon on YouTube app and never miss another update from Unbox Factory. Welcome to Unbox Factory another video. पिछले वीडियो में आपने देखा कि प्लास्टिक बोतल बनाने का बिजनेस कैसे शुरू करें। आज हम देखेंगे बिल्डिंग और घर बनाने में यूज होने वाली फ्लाई ऐश ईंटें कैसे बनती हैं, उसका बिजनेस कैसे शुरू करें। सबसे पहले फ्लाई ऐश ईंट के फायदे देखते हैं। फ्लाई ऐश ईंट लाल ईंट की तुलना में ज्यादा मजबूत एवं वजन में हल्की होती है। फ्लाई ऐश ईंटें केवल 14 से 16 प्रतिशत पानी सोखती हैं, जिसके कारण सीलन की संभावना कम हो जाती है। फ्लाई ऐश ईंटें विद्युत ताप केंद्र से निकलने वाले कोयले की राख, चूना, बालू, गिट्टी का चूरा, जिप्सम को मिलाकर बनाई जाती है। आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स किस प्रोसेस से बनती हैं और उसको बनाने की मशीनरी कहां से लें और ये बिजनेस चालू करने में कितनी लागत आएगी। क्यू ग्रीन टैकॉन की यह मशीन से बनी ईंट समान आकार की होती हैं, जिससे सीमेंट की बचत होती है और मजदूर के श्रम में कम समय लगता है। फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने की प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटा गया है। नंबर 1, मिक्सिंग प्रोसेस। पहले रॉ मटेरियल को ट्रॉली के द्वारा प्री हॉपर बॉक्स में डाला जाता है और बेल्ट द्वारा मिक्सिंग के लिए पेन में भेजा जाता है, जहां सीमेंट एवं पानी मिलाकर इसमें लगभग 5 मिनट तक अच्छी तरह से इसको मिक्स किया जाता है। फ्लाई ऐश ब्रिक्स निर्माण प्रक्रिया में मिक्सिंग अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है और क्यू ग्रीन टैकॉन में बनने वाली मशीन में इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए पैन मिक्सर को डिजाइन किया जाता है। मिक्सिंग एक समान करने के लिए पैन मिक्सर के भीतर स्कीपर एवं रोलर लगे होते हैं, जो पूरी एफिशिएंसी के साथ रॉ मटेरियल को मिक्स करते हैं। नंबर 2, हाइड्रोलिक प्रेसिंग प्रोसेस। मिक्सिंग की प्रक्रिया होने के बाद मिक्स रॉ मटेरियल को बेल्ट द्वारा हॉपर में इकट्ठा किया जाता है। यहां से पीएलसी कंट्रोल द्वारा निर्धारित मात्रा अनुसार रॉ मटेरियल को प्रेस मशीन में भेज दिया जाता है। प्रेस मशीन में भेजे गए रॉ मटेरियल को फीडर ट्रॉली द्वारा हाई ग्रेड EN31 मटेरियल्स द्वारा बनाए गए मोल्ड्स में भरा जाता है। इसके बाद हैवी सिलेंडर से प्रेस करके फ्लाई ऐश ब्रिक्स को निकाला जाता है। क्यू ग्रीन टैकॉन की यह मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक है। इस मशीन को जरूरत के हिसाब से ऑटो या मैनुअल मोड में चलाया जा सकता है। हाइड्रोलिक सिलेंडर 1 मिनट में 6 स्ट्रोक लेते हैं और ईंट मोल्ड पर प्रेस की जाती है, जिससे उच्च क्वालिटी की मजबूत ईंट बनती है। नंबर 3, कूरिंग प्रोसेस। ईंट मोल्ड में प्रेस होने के बाद फीडर ट्रॉली के द्वारा पटरी पर भेजी जाती है। इस तरह तैयार हुई फ्लाई ऐश ईंट को छांव के अंदर 24 घंटे रखा जाता है। इसके बाद 15 से 18 दिनों तक खुले में रखा जाता है और दिन में 2 बार पानी डाला जाता है। बाद में फ्लाई ऐश ईंटें पूरी तरह तैयार हैं आपके घरों और बिल्डिंगों को बनाने के लिए। ये ब्लॉक बनाने वाली मशीन विभिन्न किस्मों के ब्लॉकों का उत्पाद करती है, जैसे कि हॉलो ब्लॉक्स, सॉलिड ब्लॉक, पावर ब्लॉक, सिंगल लेयर एंड कलर्ड कर्ब स्टोन, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स। अभी देखते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या आवश्यक है। यह बिजनेस शुरू करने के लिए मशीन की क्षमता अनुसार 20,000 से 50,000 स्क्वायर फीट की जमीन की आवश्यकता होती है। यह पूरा प्लांट चलाने के लिए 15 से 20 मजदूर के सहयोग से 7,000 से 20,000 ईंट प्रति 8 घंटे में बनाई जा सकती हैं। यह मशीन 1,000 ईंट से 10,000 ईंट प्रति घंटा तक निर्माण कर सकती है। यह कंपनी अलग अलग रेंज में अलग अलग कैपेसिटी की मशीनें तैयार करती है, जिसकी प्राइस 13 लाख से शुरू होती है। रॉ मटेरियल के लिए पावर प्लांट में से फ्लाई ऐश इजिली आप ले सकते हैं, क्योंकि हर एक पावर प्लांट से 1 मेगावाट बिजली बनाने पर 7 से 8 टन फ्लाई ऐश निकलती है। फ्लाई ऐश ब्रिक मेकिंग प्रोजेक्ट नॉन पोल्यूटिंग ग्रीन प्रोजेक्ट है, जो समाज एवं देश के लिए उपकारी है, और इस प्रोजेक्ट पर अलग अलग स्टेट में सब्सिडी भी उपलब्ध है। अगर आप अपना फ्लाई ऐश ब्रिक बनाने का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और भी नए बिजनेस आइडियाज के बारे में जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनबॉक्स फैक्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए और नया वीडियो तुरंत देखने के लिए
घंटी को दबा दीजिए। अभी आप समझ गए होंगे कि ये फ्लाई ऐश ब्रिक बनाने का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें और ये फ्लाई ऐश ब्रिक कहां पर बेची जाए। अगर आपको अभी भी इस वीडियो के बारे में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, हम आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, मैं मिलता हूं एक और बिजनेस वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।